Dear student, good morning. Welcome you in this classroom. आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे. अणुसंख्यक गुणधर्म हम आपको पढ़ा चुके, चारों अणुसंख्यक गुणधर्म. आप एबनॉर्मल मोलर मास, अब सामान्य अणु भार क्या होता है, या हम कह सकते हैं वांट ऑफ फैक्टर आई, वांट ऑफ गुणांक क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ी वांट ऑफ गुणांक, क्या होता है एबनॉर्मल मोलर मास, अब सामान्य अणु भार. आप जानते हैं प्राशन दाब, वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन, ये सभी अणुसंख्यक गुणधर्म है. क्लियर? और ये सभी अणुसंख्यक गुणधर्म विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर है. ये बात क्लियर है? थ्योरेटिकली बात करें, हम सैद्धांतिक रूप से बात करें, तो हम विलय के कणों को अणु के रूप में मानते हैं. अब एक कण एक अणु है. थ्योरेटिकली यदि हम अणुसंख्यक गुणधर्म ज्ञात करें, जो सूत्र से ज्ञात किया जाता है, चाहे वो पाई बराबर वी आर टी हो, पाई वी बराबर एन आर टी, थ्योरेटिकली यदि हम ज्ञात करें, सैद्धांतिक रूप से ज्ञात करें, तो वे मान, ये मान जो थ्योरेटिकल रूप से ज्ञात किए जाते हैं, वो सामान्य मान कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? सामान्य मान कह लीजिए, थ्योरेटिकल वैल्यू कीजिए, थ्योरेटिकल मान कहलाता है. जो इस फॉर्मूले से, हम किसी फॉर्मूले से, चाहे प्राशन दाब की बात करें, चाहे वाष्प दाब अवनमन की बात करें, उससे यदि हम अणुसंख्यक गुणधर्म का मान ज्ञात करें, तो वो क्या कहलाता है बच्चों? सामान्य मान कहलाता है. अणुसंख्यक गुणधर्म का सामान्य मान, नॉर्मल वैल्यू मान, या कह सकते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू. अणुसंख्यक गुणधर्म का सामान्य मान या कह सकते हैं सैद्धांतिक मान कह सकते. लेकिन जब हम प्रयोग द्वारा बात करते हैं, तो जो सोल्यूट है उसका या तो एसोसिएशन हो जाएगा या डिसोसिएशन हो जाएगा, या तो विलय पदार्थ घुल जाएगा, घुलकर कणों में विभक्त हो जाएगा, आयनों में विभक्त हो जाएगा, या एसोसिएशन होकर एक बड़ा अणु हग अणु बना देगा, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, जिससे विलयन में कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है. एसोसिएशन से क्या होगा? कणों की संख्या घट जाएगी. डिसोसिएशन से क्या होगा? कणों की संख्या बढ़ जाएगी. जैसे मान लीजिए केसीएल, इस सॉल्यूट को जब बोलते हैं तो के आयन प्लस सीएल आयन. थ्योरेटिकल हमने माना एक कण है, एक अणु सैद्धांतिक रूप से. लेकिन जब उसको बोला, विलयन बनाया, तो उसे आयन व्यक्त हो गया, तब कितने कण हो गए? दो हो. तो ये डिसोसिएशन से कणों की संख्या बढ़ जाती है. यदि बात एसोसिएशन की हो, मान लीजिए ये कोई अणु है, तो ये एसोसिएट होकर एन अणु वृद्ध अणु बना देता है, तब क्या हो जाए? कणों की संख्या कम हो जाए. लेकिन थ्योरेटिकल हमने एक माना, तो सामान्य मान माना. लेकिन जब एसोसिएशन हो रहा है और डिसोसिएशन हो रहा है, तो विलयन में विलय के कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है, जिससे अणुसंख्यक गुणधर्म के मान भी परिवर्तित हो जाए. जो सामान्य मान थे वो सामान्य नहीं रहते, वो अब सामान्य मान हो जाते हैं, एबनॉर्मल वैल्यू हो जाती है. अणुसंख्यक गुणधर्मों की के मान कैसे हो जाते हैं? अब सामान्य मान. एबनॉर्मल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू के बजाय यहां क्या हो जाते हैं? एबनॉर्मल वैल्यू, अब सामान्य मान हो. सामान्य तो कब थे? जब हमने निश्चित माना था इतने कण हैं,
जो सूत्र है उससे जो ज्ञात किया था, फॉर्मूले से जो ज्ञात किया था। लेकिन जब सॉलिड का एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है तब यदि अनुसरण गुणधर्म का मान ज्ञात करें तो परिवर्तित हो जाता है प्रयोग द्वारा। ये तो ऐसे मान आप सामान्य मान कह लीजिए या ऑब्जर्व वैल्यू कह लीजिए, प्रेक्षित मान भी कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल मान या प्रेक्षित मान भी कहते हैं। क्लियर? सामान्य मान थ्योरेटिकल वैल्यू, जब हमने कहा थ्योरेटिकली फॉर्मूले से ये माना एक कण एक अणु है उसके अनुसार ये हमने कैलकुलेट किया अनुसंगी गुणधर्म का मान, तो वो सामान्य मान कहलाते हैं। लेकिन जब अणु का एसोसिएशन डिसोसिएशन हो जाता है तो कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है, कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है अनुसंगी गुणधर्म के मान अपसामान्य हो जाते हैं, उसको अपसामान्य मान कहलाते हैं, प्रेक्षित मान। यदि सामान्य मान अनुसंगी गुणधर्म के सामान्य मान से विलय का अणु भार ज्ञात करे तो विलय के अणु भार का वो मान सामान्य अणु भार कहलाएगा, सामान्य मान कहलाएगा। यदि अपसामान्य मान से विलय का अणु भार मान ज्ञात करे तो वो क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ मोलर मास। विलय के अणु भार अपसामान्य मान कहलाएगा, अपसामान्य अणु भार कहलाएगा। भाई इससे ज्ञात करेंगे ये क्या है, अनुसंगी गुणधर्म का सामान्य मान। इस जो मान आया चाहे वो डेल टी एफ हो चाहे डेल टी बी हो, इस सामान्य मान से विलय का अणु भार ज्ञात करें, जो एक व्युत्क्रमानुपाती होता है किसी अनुसंगी गुणधर्म के, तो जो मान विलय का अणु भार आएगा वो सामान्य मान कहलाएगा, विलय का अणु भार का सामान्य मान। लेकिन जब अनुसंगी गुणधर्म का अपसामान्य मान हुआ कब, जब एसोसिएशन डिसोसिएशन हो गया, भिन्न मान प्राप्त हुआ जिसको हम अपसामान्य मान कहते हैं, उस मान से जब अणु भार ज्ञात करें किसी विलय का तो अणु भार का मान भी क्या हो जाएगा, सामान्य मान से भिन्न प्राप्त होगा, और अणु भार के उस मान को एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं, अपसामान्य मोलर द्रव्यमान कह लीजिए, मोलर भार अणु भार कह लीजिए। क्लियर? एबनॉर्मल मोलर मास क्या है, क्योंकि थ्योरेटिकली यदि हम कैलकुलेट करें तो अनुसंगी गुणधर्म का थ्योरेटिकल मान आता है, इस थ्योरेटिकल मान से हम किसी अनुसंगी गुणधर्म से अणु भार ज्ञात कर विलय का, तो वह विलय का अणु भार आएगा सामान्य अणु भार कहलाता है। लेकिन प्रयोग द्वारा प्रैक्टिकली करके देखें, एक्सपेरिमेंटली करें तो विलय का एसोसिएशन डिसोसिएशन हो जाता है, जिससे कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है, तो कणों की संख्या परिवर्तित हो जाएगी तो अनुसंगी गुणधर्म का मान भी परिवर्तित हो जाएगा। जब अनुसंगी गुणधर्म का मान भी परिवर्तित हो जाएगा तो ये परिवर्तित हो गया तो इससे जो विलय का अणु भार आएगा ये भी बच्चे परिवर्तित हो जाएगा। इस विलय के अणु भार को हम क्या कहेंगे, अपसामान्य अणु भार। ये अपसामान्य अणु भार कैसे हुआ, ये सॉल्यूट के एसोसिएशन डिसोसिएशन कारण, एसोसिएशन डिसोसिएशन कारण से अनुसंगी गुणधर्म के मान भिन्न हो गए, तो उससे यदि कैलकुलेट करेंगे उससे मान ज्ञात करें मिले का अणु भार वो भी बिना आएगा, वो भी अपसामान्य हो जाएगा। इसके लिए इस समाधान के लिए सैद्धांतिक और प्रेक्षित मान में जो विचलन आता है, जो परिवर्तन हुआ सामान्य से अपसामान्य हुआ, इसको समझाने के लिए वानटाफ ने एक फैक्टर दिया, एक गुणांक दिया, जिसको हम वानटाफ गुणांक सैद्धांतिक और प्रेक्षित मान में जो डिफरेंस प्राप्त हुआ है,
आता है उसके समाधान के लिए, सॉल्यूशन के लिए क्वांटम गुणांक में अनुसंग गुणधर्म समीकरण में एक नया फैक्टर जोड़ा, समाविष्ट किया, इंसर्ट किया, जैसे हम आई कहते हैं। तो आई क्वांटम गुणांक, क्वांटम समीकरण जानते हैं आप, प्रश्न दाब की क्वांटम समीकरण क्या है, प्रश्न दाब की क्वांटम समीकरण सामान्य समीकरण पाई वी बराबर बच्चों एन आर टी, क्लियर, ये क्वांटम समीकरण है, प्रश्न दाब के लिए क्वांटम समीकरण थ्योरेटिकली सैद्धांतिक रूप से ये समीकरण दी गई है, ये हम इसको यहां लिख देते हैं, थ्योरेटिकल लिख दीजिए, सैद्धांतिक थ्योरेटिक प्रश्न दाब, क्वांटम ने समीकरण संशोधित किया हम बता चुके, और इसमें एक आई फैक्टर जोड़ा, समाविष्ट किया, संशोधित कैसे किया इन्होंने, पाई ऑब्जर्व्स माने प्रेक्षित बच्चों बी बराबर आई एन आर टी, उसने एक नया फैक्टर आई जोड़ दिया इसमें, ये आई आई या क्वांटम गुणांक, क्लियर, ये थ्योरेटिकल प्रश्न दाब है, ये ऑब्जेक्ट्स वाली, उसमें एक नया फैक्टर आई जोड़ दिया, अब आई बराबर प्रश्न दाब का प्रेक्षित मान ऑब्जेक्ट्स वैल्यू और प्रश्न दाब का थ्योरेटिकल, हम दो बटे दो में से दो में एक का ये भाग दे तो क्या आएगा, प्रश्न दाब का प्रेक्षित मान अपॉन प्रश्न दाब सैद्धांतिक मान, क्लियर, दो में एक का भाग दे दिया, या इस तरह लिख सकते हैं पाई ऑब्जर्व्स अपॉन पाई थ्योरेटिकल, तो समझ न्याय बता देना, दो में हमने एक का भाग दे दिया तो पाई ऑब्जर्व्स ऊपर आ गया पाई नीचे, क्योंकि प्रश्न दाब वास्तव अवनमन क्वथनांक उन्नयन हिमांक अवनमन के समानुपाती होते, सारी अनुसंग गुणधर्म एक दूसरे के समानुपाती होते, देन आई बराबर पाई ऑब्जर्व्स अपॉन पाई थ्योरेटिकल डेल पी ऑब्जर्व्स अपॉन, ध्यान दीजिए डेल पी मतलब क्या है, वास्तव अनुमान थ्योरेटिकल, डेल टी बी ऑब्जर्व्स अपॉन डेल टी बी थ्योरेटिकल बराबर डेल टी एफ हिमांक अवनमन प्रेक्षित मान अपॉन हिमांक अवनमन का सैद्धांतिक मान, क्योंकि सभी अनुसंधान एक दूसरे के समानुपाती है, आई बराबर प्रश्न दाब का प्रेक्षित मान थ्योरेटिकल मान, इसी प्रकार से वास्तव दाब अवनमन का ऑब्जर्व थ्योरेटिकल मान, क्वथनांक उन्नयन का ऑब्जर्व थ्योरेटिकल मान, हिमांक अवनमन का ऑब्जर्व थ्योरेटिकल मान, ये सारी की सारी क्या बच्चों अनुसंग गुणधर्म, तो हम लिख सकते हैं आई बराबर अनुसंग गुण
गुणों का अनुसरण गुण धर्म का प्रेक्षितमा अपॉन अनुसंख्यक गुणधर्म का सैद्धांतिक मान लिख सकते हैं। क्लियर? इन सारे से अनुसंख्यक गुणधर्मों का प्रेक्षित मान अनुसंख्यक गुणधर्मों का सैद्धांतिक मान अनुसंख्यक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। क्लियर? सभी अनुसंख्यक गुणधर्म विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो हम लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिए यहां एक परिभाषा देते हैं हम, अनुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान अपॉन अनुसंख्यक गुणधर्म का सैद्धांतिक मान। तो आई क्या है? किसी अनुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान और उसके सैद्धांतिक मान का अनुपात क्वांटा गुणांक आई कहलाता है। क्वांटा गुणांक आई इज द रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ एनी कलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ दैट कलिगेटिव प्रॉपर्टी। दोनों का अनुपात किसी अनुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान और उस अनुसंख्यक गुणधर्म के सैद्धांतिक मान का अनुपात रेशियो क्वांटा गुणांक आई कहलाता है। चलिए अब वापस आते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। फिर आई बराबर क्या लिख सकते हैं? विलय के कणों की संख्या का प्रेक्षित मान अपॉन विलय के कणों की संख्या का सैद्धांतिक मान की संख्या का सैद्धांतिक मान के अणु भार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो हम लिख सकते हैं आई बराबर विलय के अणु भार का प्रेक्षित मान की बजाय यहां क्या लिखेंगे कि वो व्युत्क्रमानुपाती है, सैद्धांतिक मान अपॉन विलय के अणुभार का प्रेक्षित मान ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके सभी अनुसंग गुणधर्म के व्युत्क्रमानुपाती विलय का अणुभार है। इस प्रकार लिख सकते हैं आई बराबर विलय के अणुभार का सैद्धांतिक मान विलय के अणुभार का अपॉन द
प्रक्षिप्त मन। इस प्रकार से हम आई जो वाइट का गुणांक जो किसी अणु गुणधर्म का सैद्धांतिक मान और प्रक्षिप्त मान का डेविएशन है, विचलन अंतर को दर्शाता है। हम इसकी आपको परिभाषा दे चुके हैं, किसी अणु गुणधर्म का प्रक्षिप्त और सैद्धांतिक मान का अनुपात वांटा गुणा आई कहलाता है। ये हो गए, यह हम आपको अब बता चुके हैं। और आई विलय के अनुभार का सैद्धांतिक मान अपॉन विलय के अनुभार का प्रक्षिप्त, ये इस प्रकार से हम वांटा गुणा को समझा सकते हैं। वो एबनॉर्मल मोलर मास क्या है ये हमने आपको क्लियरली समझा दिया। ये क्यों होता है एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है ये बता चुके हैं। अणु के एसोसिएशन, विलय के अणु का एसोसिएशन या डिसोसिएशन के कारण से कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। कणों की संख्या परिवर्तित हो जाएगी तो अणु संघ गुणधर्म के मान भी परिवर्तित हो जाएंगे। अणु संघ गुणधर्म के मान परिवर्तित हो जाएंगे तो उनसे ज्ञात होने वाले विलय के अणु भार भी परिवर्तित हो जाएंगे, जिन्हें हम एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं, जिनके अणु भार को हम एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। क्लियर? तो अब सामान्य अणु भार के बारे में हम बता चुके हैं क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट आर एन कॉलेज अलवर राजस्थान, डिपार्टमेंट केमिस्ट्री। आप इसके विस्तृत अध्ययन के लिए मोना प्रकाशन जो अलवर से प्रकाशित पुस्तकें बुक्स खरीदे बहुत दीजिए, अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। आप मेरे YouTube चैनल स्टडीशिप विद रामानंद यादव को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हाँ, कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स करना मत भूलिए। आपकी कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी समस्या है, आप मेरे कमेंट्स बॉक्स यूट्यूब चैनल के कमेंट्स बॉक्स पर जाकर कमेंट्स कीजिए, मैं आपकी जिज्ञासा और शांत कर दूंगा। फिर कह रहा हूँ केमिस्ट्री बहुत दीजिए, आप प्रत्येक वीडियो देखिए, प्रत्येक वीडियो एक दूसरे से लिंक जुड़े हुए हैं। इसलिए आप सभी को कहिए, अपने साथियों को, डॉक्टर रामानंद यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद रामानंद यादव को देखें और उसको सब्सक्राइब करें।